मिचौंग तूफान का असर अब धीरे धीरे बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार भी अब इससे प्रभावित हो रहा है। हालांकि सूबे में इस चक्रवर्तीय तूफान का प्रभाव उतना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में मिचौंग तूफान का असर देखने को मिला है, जिसके कारण एक या दो जगहों पर हल्की सी वर्षा भी दर्ज की गई है। वहीं बादल छाए रहने से राज्य में न्यूनतम औसत तापमान 6 से 7 डिग्री अधिक बना हुआ है। पटना और गया सहित समूचे दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य 8 डिग्री अधिक और पूर्णिया समेत समूचे पूर्वी भारत में सामान्य से 7 डिग्री अधिक औसतन तापमान दर्ज किया जा रहा है। अभी 1-2 दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के आसार भी जताए गए हैं। बता दें कि पटना मौसम विभाग के पूर्ण अनुमान के मुताबिक आज 6 दिसंबर को पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में 1 या 2 जगहों पर हल्के से बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं 7 दिसंबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय जैसे कई जगहों पर हल्के से बारिश होने के पूर्ण अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये सारा असर जो है वो कहीं ना कहीं मिचौंग तूफान की वजह से ही देखने को मिल रहा है। देश के कुछ राज्यों में चक्रवर्ती तूफान मिचौंग कहर बरपा ही रहा था, लेकिन अब इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ आज और कल बिहार में इसका असर खास तौर पर देखने को मिलेगा। मिचौंग तूफान के टकराने की संभावना जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर कल बताई गई थी। उसके बाद कुछ राज्यों में भी इसकी वजह से तूफान देखने को मिला। तमिलनाडु, चेन्नई हो, हर जगह मिचौंग तूफान ने कहर बरपाया और इसका असर बिहार में भी आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकता है।